हेलो दोस्तों, यह है मेहरा वीडियोज़ का हेल्प डेस्क। दोस्तों आज के चैप्टर के मैं तुम्हें दसदा कि देखो बाई चांस कभी आप पैसे की लोड़ पैगी। दोस्तों थोड़े मोटे पैसों की लड़ आप रही है, तो कई बार आप थोड़े मोटे पैसे भी अपने फ्रेंड सर्कल के या फिर किसी तो भी आपको उधार मंगने पैंते हैं। तो दोस्तों मैं तुम्हें दसदा कि देखो जेकर आप कभी यह जी नौबत आ भी जाती तो आप किसी के कोलों पैसे उधार लैन की लड़ नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिहड़ा पेटीएम ऐप है, दोस्तों पेटीएम ऐप है, जे किसी को है तो ठीक है, जे किसी को नहीं है तो मैं दस दिना। जिहड़ा पेटीएम ऐप है तो दोस्तों उस दे विच इक ऑप्शन है पेटीएम पोस्टपेड की। दोस्तों तुसीं पोस्टपेड का सहारा लै सकते हो। पोस्टपेड के विच की हुंदा मैं तुहानूं इहदे बारे पूरी जानकारी दिंदा, इहदे लई तुसीं देखना जरूर तो समझना भी जरूर। दोस्तों पेटीएम एक ऐप है, जिमें अपना पेटीएम जिमें अपना आप फोनपे चलाने या फिर गूगल पे चलाने सेम इस तरह ही है पेटीएम पर। बट गल की कि पेटीएम के उत्ते अपने अपनी KYC करवानी पैंदी है, ठीक है। पर दोस्तों ये फायदे बहुत ने। पेटीएम की KYC करवाउण तो बाद दोस्तों आपां की करना है, उहदे विच आपां एक ऑप्शन आउंदी है मतलब कि पेटीएम पोस्टपेड की। दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड में आपने एक्टिवेट कर लेना, आपने किमें एक्टिवेट करना मैं तुम्हें इहदे बारे भी दसदा, तो मैं तुम्हें इहदे जिन्नियां भी खासियतां ने उहदे बारे भी दसदा। तो इहदे लई आपां नूं जाणा पऊगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलो आपां अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों जिवें आप अपने पेटीएम अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको सब तो पहले इस तरह का व्यू नज़र आएगा। यह है अपने पेटीएम का होम पेज। इस दे विच आपको सब तो पहले तीन ऑप्शन नज़र आएंगे, जिमें पे सेंड मनी टू बैंक अकाउंट या फिर मोबाइल रीचार्ज, ठीक है। इस तरह का आपको तीन ऑप्शन नज़र आदियां ने। दोस्तों आप इन्हें स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करन तो बाद दोस्तों थोड़ा जिहा देखो आप इन्हें स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करन तो बाद मतलब कि थोड़ा जिहा डाउन करन तो बाद देखो आपको इतने नज़र आ रहा पेटीएम पोस्टपेड। दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड की आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, आप पेटीएम पोस्टपेड के उत्ते क्लिक कर लेना है। जिथे लिखा हुआ लोन एंड क्रैडिट कार्ड्स, इस दे विच आपनू पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस नज़र आ रही है। आप इस सर्विस उत्ते क्लिक करांगे, तो क्लिक करन तो बाद दोस्तों मेरा जो ये पेटीएम पोस्टपेड है ये मैं पहला ही मतलब कि ऑलरेडी इनू एक्टिवेट कर चुके हैं। पर जो तुसीं सब तो पहला इनू इहदे उत्ते क्लिक करोगे तो इस तो बाद तुहानू इसके उत्ते अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिम्मे अपना नाम हो गया, अपना एड्रेस हो गया। इस बाद तुहानू KYC करनी पड़ेगी, आधार कार्ड पैन कार्ड इन्हों सबमिट करवाना पड़ेगा। इस बाद दोस्तों आपू जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ये वालों आपू कुछ लिमिट मिल जाएगी, ठीक है। जिमें दोस्तों अपन बैंकों के लिमिट मिलती है उस हिसाब से ही आपको ये लिमिट मिल जाएगी। दोस्तों मेरी मैनू लिमिट मिली हुई है क्योंकि मैं अपनी KYC ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो मैं तुम्हें दिखा नवी हाँ कि किस तरह की मतलब कि किस तरह की आपू लिमिट मिलती है। तो हाँ एक गल होर दोस्तों, देखो ये जी पेमेंट पोस्टपेड की आपको सर्विस मिलती है दोस्तों, इस दे विच आपां इन्हां तो डायरैक्ट पैसे नहीं लै सकते, ठीक है। पर जेकर आपां नूं कोई समान खरीदने की लोड़ पैगी, जिवें आपां कह दिंदे आ जिवें मोबाइल रीचार्ज हो गया, डिश रीचार्ज हो गया, कि कोई बिल भरना है, आ देखो ये सारी सर्विसा जिवें मोबाइल रीचार्ज हो गया, आपने गैस बुक करवाना है जां फिर आपां मार्केट दे विच्चों कोई अपने समान खरीदना है, तो दोस्तों उत्थे भी आपां जिवें QR कोड वगैरह स्कैन करते हैं या फिर अपने पेट्रोल पंप तो पेट्रोल पवाना है, तो दोस्तों ये सर्विसा दे विच आपां ये पैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपां नूं एक महीने वास्ते ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ये आपां नूं पैसे कुछ उधार दे दिंदा है, ठीक है। ये आपां मतलब कि एक लिमिट दे दिंदा, जिवें दोस्तों आपां देखदे हां कि किसानों नूं लिमिट मिलती है या फिर खेतीबाड़ी नूं या फिर बिजनेस दे विच लिमिट मिलती है, उस हिसाब नाल ही आपां नूं एक छोटी जी लिमिट मिल जाती है कि आपां इन्ने रुपए तक इन्हां तों लै सकदे हां, ते उह आपां ने एक महीने के अंदर अंदर इन्हां नूं वापस करने हुंदे ने। ते दोस्तों ये भी आपां ने मतलब कि इहदा आपां नूं कोई ब्याज वगैरह भी नहीं पैंदा, बिल्कुल फ्री दे विच दोस्तों आपां इन्हां तों कुछ उधार लै लैणा। फिलहाल दोस्तों आपां नूं इहदा कोई चार्जेस नहीं पै रिहा, आने वाले समय दे विच हो सकदा इहदा कोई चार्जेस पैन लग जाए। दोस्तों मैं पेटीएम पोस्टपेड के उत्ते क्लिक कर रहा तो मैं ये सिक्योरिटी रीजन के लिए कह रहा कि तुहाडी रिकॉर्डिंग चल रही है, इस करके असीं इहनूं पब्लिकली शो नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलो कोई गल नहीं, एक सॉफ्टवेयर की मतलब कि प्रॉब्लम है या फिर आप कह सकते हैं कि यह जो पेटीएम बैंक है यह अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको यह सर्विस नहीं दे रहा कि जे आप यह रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस बाद यह अगे की आपको स्क्रीन नहीं दिखा रहा। तो चलो कोई गल नहीं, मैं तुम्हें दस दिना कि देखो ये तुम्हें की करना है। ये दोस्तों तुहाडी एक पहला KYC होएगी, जिवें तुहाडा नाम हो गया, तुहाडा फादर नेम हो गया, तो तुहाडा एड्रेस हो गया, तुहाडा मोबाइल नंबर हो गया, तो इस तो बाद तुहाडी एक KYC होगी जिवें आधार कार्ड तो पैन कार्ड, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके आपको जिवें बैंक के विचों एक लिमिट मिलती होंगी सेम उस हिसाब से ही आपको ये भी ये भी लिमिट मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों पेटीएम पेमेंट क्योंकि पेटीएम जो है पेटीएम भी एक बैंक है, एक बैंक बन चुका है। इस करके
दोस्तों इन्हां तों विचों आपां नूं एक बैंकां वांगू लिमिट मिल जाएगी। लिमिट तो बाद दोस्तों आपां उह पैसे जदों मर्जी ना मतलब कि लै सकदे, यूज कर सकदे आ। पर दोस्तों एक गल, आपां उह पैसे मतलब कि कैश दे रूप च नहीं लै सकदे, नकद दे रूप च नहीं लै सकदे। पर जेकर आपां कोई समान खरीदना है, जिवें आपां ने कोई बिल भरना बिल भर सकते हैं, कोई पेट्रोल पवाना आप उत्थे स्कैन वगैरह कर सकते हैं, कोई मार्केट के समान वगैरह खरीदना आप उत्थे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है इस हिसाब नाल। पर दोस्तों आप जिन्हें भी पैसे इन्हों तो लवेंगे वो आप ने एक महीने के अंदर अंदर इन्हों वापस करने ही करने ने, ठीक है। एक महीने के अंदर अंदर आपने इन्हों पैसे वापस करने ही करने ने, चाहे आपने अज पैसे पे करते, चाहे दूसरे दिन फिर ले लो। दोस्तों आप इन्हों किस्तों के आप इन्हों किस्तों के भी पैसे भर सकते हैं। मान लो आपने 1000 रुपया इन्हों तो ले लिया, इस टाइम अपने को 1000 रुपया नहीं है, 500 है, 500 भर दो, ठीक है, 500 दो तीन दिन बाद भर दौ। मतलब कि आपने एक महीने के अंदर अंदर पूरा करना है, एक महीने तो बाद आपने यह टपाना नहीं है। तो दोस्तों इस हिसाब न ही एक महीने के अंदर अंदर आप मतलब कि आपको किसी फ्रेंड सर्कल के पैसे मंगने की जरूरत नहीं है। आप तो भी यह जो सर्विस है ये आप यूज़ करके आप बहुत वधिया इहदा लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों यही छोटा जिहा चैप्टर सी, जे तुहानूं चंगा लग्या तो वीडियो में लाइक करना, शेयर करना, तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लेना।